नमस्कार मित्रों, मैं रवि एक और बार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चांदी के बारे में, क्या हो सकता है। कल जो है वो काफ़ी उठापटक हुई थी, तो आगे की संभावना क्या नहीं खुल रही है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चांदी का क्लोजिंग हुआ है दोस्तों अभी कुछ 69,870 के आसपास। तो यहाँ से हमारी जो पहली लक्ष्मण रेखा जो बन रही है चांदी के अंदर, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो आता है 69,000 का लेवल। ठीक है, 69,000 का लेवल जो है वो अब हमारे लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लक्ष्मण रेखा बन सकता है अगले वीक के लिए। अगर ये लेवल नीचे काट के 2-3 घंटे 4 घंटे रुक जाता है, 1 डे का क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ हो जाता है, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। क्लोजिंग इज़ अ वेरी नेसेसरी, क्लोजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये लेवल के नीचे क्लोजिंग कर लेता है तो फिर वहाँ से चांदी के अंदर फिर 500 गिरे, 700 गिरे, 1000 गिरे, 1500 गिरे, फिर उसकी मर्जी चलेगी। अगर इसके दौरान कुछ चेंज होगा तो हम हर रोज लाइव जुड़ते हैं 9:45 AM को मंडे टू फ्राइडे। तो अगर आपके पास समय हो तो आप जुड़ सकते हो, ना हो तो वीडियो बाद में यूट्यूब पर रहता है, वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अभी के हिसाब से हमें एक सपोर्ट जो है वो ध्यान में रखना चाहिए, 69,000, वो हमारी लक्ष्मण रेखा का काम कर रहा है। ऊपर के लेवल की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो ऊपर के अंदर जो है वो अब हमें ध्यान में रखना चाहिए मेरे हिसाब से 70,100, 70,100 का लेवल। अगर ये 70,100 का लेवल ऊपर की तरफ काटता है तो जो ये गिरावट हुई थी 73,000 से लगभग मोटा मोटी, वो गिरावट की थोड़ी सी रिकवरी करने की ये कोशिश कर सकता है, वो रिकवरी का लेवल है। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ काटे तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर लेना। और बार बार दोस्तों बताता हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, कल भी लाइव में बताया था कि आप जो है वो अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करना। अगर 100 रुपये हो तो 2-5-10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग ना करना। और अभी का माहौल भी ऐसा है दोस्तों, थोड़ा सा सतर्क रहने की और ख़ास क्वांटिटी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो आपने महसूस भी किया है। कल भी और परसों भी हमने लाइव में चर्चा करी थी कि 70,850 के ऊपर जाएगा तो एक तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो वहाँ से कुछ 73,000 दो दिन में आ गया, थर्सडे और फ्राइडे के दिन। तो आप जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारी पकड़ सकते हो बड़े आसानी से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोस्तों, 1 का 3 ट्रिक समझे, माइंड ट्रेड ट्रिक, ये सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हो आप, तो आपको चार्ट के अंदर बेनिफिट होगा। चार्ट को मेरी आंखों से दूसरा हमारा कोर्स है वो भी देखे, तो उसके अंदर आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगा एक एक चीज़ का बारीकी से, तो वो आप जाकर देख सकते हो। तो 70,100 का जो लेवल है दोस्तों वो हमारे लिए अहम होगा, रेजिस्टेंस होगा। वो लेवल अगर ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करते हो तो फिर वहाँ से दूसरा जो लेवल आता है वो है 70,500, जो ऊपर के जो नए टारगेट संभावित बन सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 70,500 उसके ऊपर जाए तो 71,000, और 71,000 के ऊपर जो अगला लेवल आता है वो है 71,600। तो ये 3 पड़ाव जो है वो उसको ऊपर की तरफ पार करने हैं। नई बड़ी तेजी की बात करें दोस्तों, नया तेजी का ट्रेंड अगर हम बात करें तो कंपलसरी उसको 70,100 के ऊपर लगातार 2-3 दिन रुकना जरूरी है, क्लोजिंग करना जरूरी है। जब तक वो लेवल ऊपर की तरफ काट के रुकता नहीं है, क्लोजिंग नहीं करता है, तब तक चांदी के अंदर दिक्कत बनी रहेगी। फिर चीज़ें दोस्तों, अभी माहौल ऐसा है कि हर रोज बदलती रहती है, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फेरबदल हो रहा है। तो इस दौरान अगर कुछ चेंज होगा चार्ट के ऊपर, तो अभी मैंने जैसे बताया वैसे 9:45 AM को लाइव में जुड़ेंगे, वहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि क्या नई नई संभावनाएँ खुल रही है। तो अभी के लिए कुछ 2-3 नियम आप ध्यान में रख लेना। 1, क्वांटिटी कंट्रोल कर लेना तो आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, और थोड़ा सा चार्ट का नॉलेज ले लेना तो आपको उसका बेनिफिट, फ़ायदा जरूर होगा। तो ये वीडियो में दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं इतना, बाकी का गोल्ड सिल्वर बाकी के जो वीडियो है हमारे गोल्ड का आ जाएगा, एनजी क्रूड सारे जो है वो आ जाएंगे आज और कल के दिन। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये वीडियो में आप बने रहे, जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेवलों के ऊपर आप ट्रेडिंग करो दोस्तों, उससे पहले आप जो है वो अपने चार्ट के ऊपर जब तक कन्फर्मेशन ना आए तब तक ट्रेडिंग से दूर रहना, और थोड़ा सा क्वांटिटी पर ध्यान देना। नमस्कार।